वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक मान्यवर टाइप की कंपनी है लेकिन एक्सपोर्टर गोकल दास बहुत बड़ी कंपनी है और यूएस में इनका बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट था, लेकिन मैं इसको इसलिए रेड में रख रहा हूँ कि कल प्रमोटर ने अपने करीब 2.5% स्टेक बेच डाला ओपन मार्केट में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव है। सिक्स्थ स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर, जिनके बिजनेस अपडेट में इन्होंने कहा है कि इनकी एक तो ये बड़े स्टाइल से जार्गन लिखते हैं, हायर देन मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ। हायर क्या मतलब इसका? सिंगल मिड नहीं नहीं फिर से बोलिए, हायर देन मिड सिंगल डिजिट सेल्स, मिड भी है सिंगल, मिड सिंगल 8-9% तो हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ इन इंडिया विद मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम ड्रॉप। तो खैर एनीवे इसका निचोड़ मैं आपको बता दूँ, चक्कर में फंसिएगा, बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, बिजनेस अपडेट कमजोर है, साफ क्यों नहीं लिख देते और कैपिटा पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो जार्गनाइज है इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसकी वजह से एबिटा गिर गया है। तो